अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम कुकिंग। मैं आपकी होस्ट साइमा दुआ आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पैनकेक की एक बहुत बेहतरीन रेसिपी। उसके लिए पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूँ। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर और प्लेन फ्लावर, 1/4 कप ग्रेनुलेटेड ब्राउन शुगर, मैंने ब्राउन शुगर ली, आप चाहे वाइट शुगर ले लें। एंड इसके साथ हमें चाहिए 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 एग, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। एक्चुअली मैंने लिया है वनीला पेस्ट, इसलिए है 1 टीस्पून। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में एसेंस है तो आप 2 टीस्पून ले लें। और इसके साथ हम लेंगे 2 कप्स ऑफ मिल्क और 1.5, वी विल सी के कितना इसमें बैटर के लिए, एंड 1/4 कप ऑफ बटर, अगर स्टिक में होगा तो 1/2 स्टिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने बताया 2 कप्स ऑफ फ्लावर, इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है सेपरेट, फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे एंड फिर दोनों को कंबाइन करके पैनकेक्स बनेंगे। सो सबसे पहले फ्लावर के अंदर मैं ऐड करूंगी शुगर, ब्राउन शुगर एंड बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा जिसे आप मीठा सोडा कहते हैं, दैट्स इट। इसको हल्का सा ऐसे, और इसके लिए मैं बिल्कुल कोई इलेक्ट्रिकल मिक्सर की आपको ज़रूरत नहीं है, हैंड वेस्ट इज़ परफेक्ट फॉर दिस। ऐसे हल्का सा मिक्स करके अब इसे साइड पे रख देंगे। अब हम मिक्स करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए सबसे पहले हम बटर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया 1/2 स्टिक ऑफ बटर। रूम टेम्परेचर होगा तो मिक्सिंग ज़रा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ आप एग डाल लें, बटर, इसके साथ जाएगा मिल्क 1.5 कप, एक्चुअली मैंने 1 कप ही डाल लिया है मिल्क राइट नाउ, और साथ में हम वनीला पेस्ट मैं डाल रही हूँ। अगर आपको वनीला पेस्ट नहीं चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया आप इसमें लिक्विड यूज़ कर सकते हैं वनीला एसेंस, तो वो फिर आप 2 टीस्पून ले लें, मैंने 1 टीस्पून लिया। मुझे मिक्सिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने माइक्रोवेव में इसको मेल्ट नहीं किया था। अगर आप बटर को माइक्रोवेव कर लेंगे तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट में और इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिल्क जो है आप बिल्कुल फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, उसको भी हल्का सा माइक्रोवेव करना है, जस्ट टेक द चिल आउट, दैट वे ये इजीली मिक्स हो जाएगा। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिल्क ऐड करना है, बहुत लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। ना बिल्कुल ठंडा दूध है ये और ना बहुत गर्म है, वार्म आप कह सकते हैं, जैसे वार्म मिल्क। That's it. बस इससे ज़्यादा मिल्क इसमें नहीं जाएगा, तकरीबन 1.5 कप हमने मिल्क लिया इसमें। और इसको ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना, लंपी बैटर इज़ अ गुड बैटर। सो बहुत ज़्यादा मिक्स करने से पैनकेक अच्छे और फ्लफी नहीं बनेंगे। दैट्स इट, ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब बहुत फन पार्ट स्टार्ट हो गया जो कि है पैनकेक को शेप देने के लिए। सो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे स्टिक बटर की लेकर उसको थोड़ा सा पैन में ऐसे लगाया, और मेरा अंदाज़ा कुछ इस तरह से है कि जो हमारे मेजरमेंट कप्स होते हैं 1/2 कप, मैं हमेशा इसके साथ पैनकेक बनाती हूँ। इसको ऐसे भरकर इसमें पैनकेक के लिए आप डालेंगे पैन में, ग्रीस्ड पैनकेक में, पैन में सॉरी, और फिर इसको थोड़ी सी शेप, अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है
तो चले मैं आज दो ले लेती हूँ ताकि मैं आपको थोड़े बड़े साइज़ के पैनकेक्स दिखाऊँ। अगर आपने एक ले लिया ये हाफ कप का मेजरमेंट, सो हाफ कप में आपको स्मॉल साइज़ के बनेंगे पैनकेक्स, और मैं बना रही हूँ थोड़ा बड़ा, तो आप समझें कि मैंने एक कप ये लिया बैटर। बस इसको इस तरह करके और छोड़ दें। अब इसको बहुत ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ी देर हम पड़े रहने देंगे। जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर बबल्स बन रहे हैं, जब ये ऊपर बबल्स बनने लगें तब आप इसको ऐसे स्पैचुला से फ्लिप करेंगे, और ये लो फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट और सो ईच साइड ये कुक होगा। अब मैं आपको, जब तक ये वहाँ से कुक हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि बच्चों को बहुत पसंद है चॉकलेट अगर अंदर से आए और ये चॉकलेट चिप के साथ, तो ये मेरे पास है सेमी स्वीट चॉकलेट चिप। मैं क्या करती हूँ कि मैं वन साइड से जब कुक हो जाता है तो फिर मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर रखकर हल्का सा प्रेस इन साइड, ये फिर मैं आपको बताऊँगी ये कैसे दिखेगा आखिर में। जब आप पैनकेक तोड़ेंगे तो अंदर से चॉकलेट निकलेगी जो, ओह गॉश सो गुड, मेरा माउथ ऑलरेडी वाटरी हो गया है। यू कैन ऐड एज मैनी एंड एज लेस। जैसे कि आपने देखा अभी 1 मिनट से भी कम हुआ है, देर यू गो, हल्का सा जो है ना, मैं इसको जहाँ मैंने चॉकलेट चिप उस तरफ डाले हैं तो मैं हल्का सा इसको हीट दूंगी और इसको वापस फ्लिप करूंगी, और अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। एक और मैं बना के दिखाऊंगी आपको पैनकेक। हल्का सा पैन को बटर से ग्रीस किया, मेरा फ्लेम थोड़ा तेज हो गया, इसको लो पे ही रखना है दोबारा से, और ये ऐसे थोड़ा वेट करेंगे जब ऊपर बबल्स आएंगे। लो फ्लेम पे इसको रखना है, ये बात आपने खास तौर पे याद रखनी है। अगर आप इसका फ्लेम हाई करेंगे तो जल्दी से कलर आ जाएगा पैनकेक को, और वो मोस्ट प्रॉबेबली अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर नीचे से उसके साइड्स कलर आपको देंगे जो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। ऊपर बबल्स आ गए, ये टाइम इसको फ्लिप करने के लिए। लुक एट द कलर, सो प्रीटी। 1 मिनट और सो ईच साइड पे लगेगा, और जो पहली साइड होगी उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा, जब तक कि उसमें बबल्स ना आ जाएं, 1 मिनट मेरे ख्याल में काफ़ी है। लेकिन आपकी सबसे अच्छा इसका यही आपको रहेगा अंदाज़ा कि ऊपर बबल्स ऐसे हल्के हल्के से बन जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा अब ये टाइम है फ्लिप करने के लिए। अगर जब तक बबल ना आए आपने वेट करना, चाहे मिनट से ऊपर हो जाए, और अगर आपके चूल्हे का फ्लेम आपने तेज पर रखा है तो राइट अवे बबल्स बन जाएंगे। उससे फिर यह है कि शायद प्रॉबेबली आपका पैनकेक अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाए, जो हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूँगी, पेशेंस। इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लिप करके, परफेक्ट, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और ये हमने डिश आउट कर लिया दूसरा पैनकेक भी। सो व्यूवर्स, अब टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पैनकेक को ज़्यादातर लोग ऐसे ही सर्व करते हैं कि इस पर थोड़ा बटर, रूम टेम्परेचर के साथ जो बटर हो, बटर ऊपर थोड़ा ऐसे रखते हैं, एंड मैपल सिरप और एनी काइंड ऑफ पैनकेक सिरप जो भी आपको पसंद हो। मैं पहले चॉकलेट वाला टेस्ट करूंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए अंदर से लुक एट द चॉकलेट, माय गुडनेस, सो गुड, इट्स ऑलरेडी लुक गुड, सो डिलीशियस एंड चॉकलेटी।
I'm gonna take another bite. So good. अब ये प्लेन की तरफ आ जाएंगे. आप खाली ये देखें, ये जो फ्लफीनेस पैनकेक की अगर आप देखें तो इट्स जस्ट लाइक केक. सो गुड. थोड़ा बटर. इट्स जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ. दिस इज सुपर गुड एंड फ्लफी एंड लाइट. अगर आपने ओवर मिक्स किया बैटर तो फिर ये बहुत हार्ड बन जाएंगे. ये फ्लफीनेस इसकी खत्म हो जाएगी. सो इफ यू लाइक द रेसिपी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव मी थम्स अप एंड सी यू अनदर टाइम विद अनदर डिलीशियस रेसिपी. बाय बाय.